ऐटिट्यूड मैडम की सर आई पर्स्थित पैना सर मैडम आयन की गर्ल फ्रेंड उदोटी उड़ी ऐसा ऐसा बोले तो बच्चे सुसाइड कर लेते ना साहब, को बोलना उन्होंने वो मैडम पूरे चिंता तो काम दो पूरे पूरा एपी की सबको बुला निरसन की सब आज बैठेंगे मरना है मरेंगे जेल में डालना है डालो सवाल नॉन डिलीवर केस बुक चेस्टर मर मैं बोला बुक चेंडी सार ने इगो नहीं 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 सब कॉपी नहीं कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा अविनाश कॉलेज जो कि बशीरबाग में है उस कॉलेज में रूल्स और रेगुलेशन की बात करने वाला ये कॉलेज सबसे पहले मैनेजमेंट को हम ये बात पूछना चाह रहे कि कॉलेज को किस तरह का परमिशन यहाँ पर है। रोड के 10 फीट के कदम पर भी ना यहाँ पर ग्राउंड है ना यहाँ पर कोई फैसिलिटीज है। आप देख सकते हैं इतनी यहाँ पर ट्रैफिक हो रही, कौन से बेस पे कौन से परमिशन पे अविनाश कॉलेज हो यहाँ पर हैदराबाद में तेलंगाना में इतने कॉलेज चला रहे, कौन कितने परमिशन से चला रहे कॉलेज, हम ये सवाल पूछना चाहते। तेलंगाना की सरकार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक तो फीस रिएम्बर्समेंट पे बात नहीं करते लेकिन जो फीस देकर पढ़ रहे उसके ऊपर भी बात नहीं करते। आज एक बच्चा हर्ष नाम का बच्चा एक तो जैन कम्युनिटी का है उसके ऊपर झूठी झूठी बातें बोलकर झूठे झूठे खबर बोलकर आज उसको ना अब तक उसको कॉलेज में न ले रहे। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ये पूछना चाहता कॉलेज से बच्चों को क्यों निकाल रहे। अरे छोटी छोटी गलतियां होती छोटी छोटी बातें होती कम से कम उसके पेरेंट्स को बुलाना, अरे उसको पेरेंट्स को बुलाए नहीं सीधा सीधा उसको क्या करे सस्पेंड कर देने की बात कर रहे। आज 6 महीने को होने को आ रहा फाइनल ईयर इसका एग्जाम है, अब एग्जाम कैसे देना भाई, एग्जाम देना बोले तो किस तरह से देना, दूसरे कॉलेज में उनको परमिशन नहीं मिल रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ये डिमांड कर रहा अगर जल्द से जल्द कॉलेज में उस बच्चे को परमिशन देकर एग्जाम में बिठाकर उसको इज्जत से नहीं दिए तो कल सुबह हो या कभी भी हो भारतीय जनता युवा मोर्चा यहाँ पर आकर खबरदार हम लड़ते रहेंगे। ये कॉलेज अविनाश कॉलेज कान खोल कर सुने, अगर कॉलेज को कॉलेज चला रहे अगर रोडी रिजर्व चला रहे कितने बाउंसर है पूछना चाहते हम, अगर कॉलेज चला रहे तो सिस्टम से चलाना, अन सिस्टम से चलाए तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन हो, ह्यूमन राइट्स हो, गवर्नमेंट हो, उन तमाम चीजों को अविनाश कॉलेज के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और इनको इनकी औकात दिखाएंगे।